चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम से संपर्क टूटने पर इसरो चीफ के सिवन का बड़ा बयान, कहा उम्मीद अब भी बाकी है। इसरो चीफ ने कहा अगले 14 दिनों तक विक्रम से संपर्क साधने की पूरी कोशिश करेंगे। चंद्रयान 2 मिशन 95% सफल रहा। चंद्रयान 2 मिशन के लिए दुनिया भर में इसरो की तारीफ, नासा ने कहा आपकी यात्रा हमारे लिए प्रेरणा। यूनाइटेड अरब अमीरात की स्पेस एजेंसी ने पूरे सहयोग का भरोसा दिया, कहा भारत ने खुद को स्पेस सेक्टर में अहम ताकत साबित किया। ऑस्ट्रेलियाई स्पेस एजेंसी ने भी चंद्रयान 2 मिशन की तारीफ की, कहा अंतरिक्ष में यात्रा जारी रखने की आपकी प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं। रूस की स्पेस एजेंसी से जुड़ी संस्था ग्लाब कॉस्मोस ने लिखा इसरो टीम के काम पर गर्व है, साथ में हम और अधिक के लिए कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विमान के लिए एयर स्पेस नहीं खोलने के पाकिस्तान के फैसले पर भारत ने जताया ऐतराज, कहा एक तरफा फैसले की निरर्थकता पहचाने पड़ोसी देश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शनिवार को पाकिस्तान ने 2 बार सीज फायर का उल्लंघन किया, घरों पर गोलीबारी से दहशत में है लोग। कश्मीर में सेना के जवान असलम खान की कल रात एक ऑपरेशन के लिए जाते वक्त मौत हुई, सेना ने दी श्रद्धांजलि। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कश्मीर में आतंक फैलाना ही पाकिस्तान की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे, ज्यादातर कश्मीरी 370 हटाने के समर्थन में। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की सेंचुरी, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज पेश करेंगे 100 दिनों का लेखा जोखा, पीएम ने कहा केंद्र ने किए ऐतिहासिक काम। हरियाणा में आज बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी, रोहतक में 5 विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। रोहतक में पीएम मोदी की रैली इको फ्रेंडली होगी, प्लास्टिक की बोतल बैन, मिट्टी के मटकों में मिलेगा पानी। आज से 2 दिन के गुवाहाटी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेंगे। राजस्थान के पुष्कर में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक आज दूसरा दिन, पहले दिन जेपी नड्डा ने कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर रिपोर्ट दी। सोनिया गांधी से मिले एमपी के सीएम कमलनाथ, कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य में पार्टी में अनुशासनहीनता पर चिंता जाहिर की। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा अपने पापों से खत्म हो रही है कांग्रेस, पार्टी में होर्डिंग लगाओ पोस्टर, भाड़ू की राजनीति चल रही है। पंजाब केस में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद एम्स में अस्थायी कोर्ट बनाने की प्रक्रिया हुई शुरू, 11 सितंबर से पीड़िता का बयान दर्ज होगा। बीती रात मुंबई में एक इमारत गिरी, दमकल कर्मियों ने घर में मौजूद 3 लोगों की जान बचाई। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर डंपर ने कार को टक्कर मारी, हादसे के बाद मौके से भागा डंपर का ड्राइवर। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में एक तेल के गोदाम में लगी भीषण आग, एक का शव बरा। दिल्ली में कब्र से गायब हुआ नवजात बच्ची का शव, शमशान घाट के कर्मचारी पर है शक, पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी में फिरोजाबाद के एक डिग्री कॉलेज में छात्राओं को बुर्का पहनकर आने पर एंट्री बैन, छात्रों के 2 गुटों की बातचीत के बाद हुआ फैसला। यूपी के बाराबंकी में ट्रक ने सिपाही को कुचला, सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई।